तो फ्रेंड्स अगर आप भी बाबर आजम को दुनिया क्रिकेट का एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। बाबर आजम ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करके रख दिया। बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट में तमाम कप्तानों को पीछे छोड़ के रख दिया। बाबर आजम ने आज बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि भारत के लेजेंड कप्तान MS धोनी भी ये रिकॉर्ड अपने नाम ना कर सके। तो फ्रेंड्स बाबर आजम की इस शानदार रिकॉर्ड को लेकर भारतीय मीडिया बाबर आजम की काफी तारीफ कर रहा है और सचिन तेंदुलकर और MS धोनी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, उनका क्या कहना है और बाबर आजम ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, आइए चल दें इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से अपडेट वक्त पर मिल सके। तो फ्रेंड्स आज बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में रावलपिंडी के मकाम पर 37 रन की इनिंग खेली और इसी के साथ बाबर आजम ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। बाबर आजम ने 2240 रन स्कोर किए हैं एज अ टी20 कैप्टन और वो नंबर वन पर हैं, जबकि नंबर दो पर एरन फिंच का नाम आता है। एज अ टी20 कैप्टन उसने 2236 रन स्कोर किए हैं और इस लिस्ट में नंबर थ्री पर हैं ये हैं केन विलियमसन, इन्होंने 2125 रन स्कोर करके टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में नंबर थ्री पर विराजमान है। तो बाबर आजम सबसे ज्यादा रन टी20 फॉर्मेट में एज अ कैप्टन स्कोर करने का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं और भारत के किसी भी कप्तान का नाम दूर दूर तक नहीं है। बाबर आजम की इस शानदार कामयाबी को देखकर भारतीय मीडिया काफी तारीफ कर रहा है और सचिन तेंदुलकर का कहना है कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान है लेकिन दुनिया इसको हमेशा बुरी नजर से देखती है और तब भी इसको दुनिया अच्छा मानेगी जब ये पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन बाबर आजम के स्टैट्स ने पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा मल के रख दिया है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है।